हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृताम और आज मैं ट्रांसफॉर्मर का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ट्रांसफॉर्मर ये सीरीज मैंने क्लाइमैक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल के साथ कोलैबोरेशन में बनाई है। मैं इसका फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के पार्ट डालने वाली हूँ अपने चैनल पे, तो सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ पार्ट क्लाइमैक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपको ऐसे ही मजेदार साइफाई एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेन इन हिंदी और क्लाइमैक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जरूर देखा होगा। अगर नहीं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड पिन कमेंट में दी है, उसे जरूर देखिए। सो कहानी की शुरुआत में ऑटोबॉट्स एंड डिसेप्शन के वॉर का समय दिखाया जाता है उनके प्लैनेट। हम वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट शिप देखते हैं आर्क। इस शिप में ऐसी एक टेक्नोलॉजी, ऐसा प्रोग्राम रहता है जो ऑटोबॉट्स को ये लड़ाई जिता सकता था, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स इस शिप पे हमला करते हैं जिसके कारण ये शिप डीप स्पेस में कहीं पे खो जाती है और कुछ सालों के बाद आर्क ये मून के डार्क साइड पे क्रैश लैंड करती है। अब 1961 का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पे नासा को मून के डार्क साइड पे इस शिप के होने की भनक मिलती है। तो उस वक्त के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इंसान को चांद पे भेजकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के ऑर्डर्स देते हैं नासा को। नासा का चांद पे इंसान को भेजने का मिशन शुरू होता है जिसमें 8 साल बीत जाते हैं और 1969 को 3 लोग मून के डार्क साइड पे लैंड करते हैं। आगे वो लोग आर्क की छानबीन करने लगते हैं। उन्हें एक बात तो समझ आती है कि इस यूनिवर्स में इंसान अकेले नहीं है, यहाँ पे एलियन का भी प्रेजेंस है। इनके पास वक्त कम रहता है इसलिए आर्टिफैक्ट लेके ये लोग वापस आते हैं। उसके बाद हम सीधा आज के समय में जंप मारते हैं जहाँ पे सैम को देखते हैं जो कॉलेज की डिग्री और यूएस प्रेसिडेंट के हाथों मेडल मिलने के बावजूद जॉबलेस है, लेकिन अपने सुपर क्यूट गर्लफ्रेंड के साथ वो रह रहा है। तो दूसरी जगह पे हम ऑटोबॉट्स देखते हैं जो यूएस मिलिट्री के साथ मिलके अलग अलग देशों के प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी मदद कर रहे हैं। तभी उन्हें शर्नोबिल यूक्रेन में एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद होने की खबर मिलती है, इसीलिए ऑटोबॉट्स और यूएस मिलिट्री वहाँ निकल पड़ती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। लेकिन वहाँ पे डिसेप्टिकॉन्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन इस लड़ाई में ऑप्टिमस प्राइम और ऑटोबॉट्स इन डिसेप्टिकॉन्स पे भारी पड़ते हैं और वो दोनों भी डिसेप्टिकॉन्स भाग जाते हैं। इसमें यूक्रेनियन जो साइंटिस्ट रहता है जिसने ये खबर दी थी वो भी भाग ही रहा था, लेकिन डिसेप्टिकॉन्स उसे भी मार देते हैं। लेकिन जो चीज डिसेप्टिकॉन्स यहाँ पे लेने के लिए आए थे वो छूट जाती है पीछे। वो दरअसल आर्क से ही लाया हुआ एक फ्यूल सेल रहता है जो ऑप्टिमस प्राइम को मिलता है। ये देख के वो काफी गुस्सा हो जाता है कि अभी भी ऐसा कुछ सीक्रेट है जो इंसानों ने ऑटोबॉट्स को बताया नहीं है। तो सीआईए डायरेक्टर उनको इस टॉप सीक्रेट मिशन के बारे में बताती है कि 1969 में इंसान जब मून पे गया था तब उन्हें आर्क शिप वहाँ पे मिली थी। आर्क ये शिप खुद ऑटोबॉट्स की थी, इसलिए ऑटोबॉट्स खुद मून पे चले जाते हैं उसकी जांच पड़ताल करने के लिए। और ऑटोबॉट्स को उनके पहले के लीडर सेंटिनल प्राइम मिल जाते हैं कोमा स्टेट में, और उसके साथ उन्हें 5 पिलर मिलते हैं जो कि एक प्रोग्राम था। ये प्रोग्राम खुद सेंटिनल ने बनाया था। इस प्रोग्राम के थ्रू यूनिवर्स के किसी भी पॉइंट को कनेक्ट करके वहाँ पे टेलीपोर्ट किया जा सकता था। ऑटोबॉट्स ये सब कुछ लेके वापस अर्थ पे आते हैं और सेंटिनल को रिवाइव करने के लिए ऑप्टिमस अपना मैट्रिक्स सब लीडरशिप ये बॉक्स यूज करके उन्हें रिवाइव करता है। तो दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड और उसके बॉस की बढ़ती दोस्ती को देख के थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। इसी दौरान उसे भी एक नॉर्मल जॉब मिल जाती है। दूसरी तरफ हम फाइनली मेगाट्रॉन को देखते हैं। लेजर बीक को वो ऑर्डर देता है कि इंसानों का जो ये टॉप सीक्रेट मिशन था मार्स पे जाने का, इसके बारे में जितने भी लोगों को पता है उन सबको मार डाले। और यही भी हमें पता लगता है जब ये टॉप सीक्रेट मिशन हुआ था नासा का, उसमें एक इंसान ऐसा था जो अभी सैम के ऑफिस में काम कर रहा है, जेरी। के लोग मरते हुए तक वो समझ गया था कि अभी नेक्स्ट नंबर उसका है और वो इसी सीक्रेट मिशन के बारे में सारी डिटेल सैम को देता है। लेकिन लेजर बीक को इसके बारे में पता लगता है और वो जेरी को मार डालता है। लेजर बीक सैम को भी मारने के लिए आ रहा था लेकिन सैम वहाँ से बच के भाग जाता है। सैम ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके सीआईए के पास जाता है लेकिन उसकी डायरेक्टर उसे सीरियसली नहीं लेती है एंड वहाँ से निकल जाने के लिए कहती है। अब कोई ऑप्शन ना होने के कारण सैम मेजर साइवन से कॉन्टेक्ट करता है और वो लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं और उन्हें पता लगता है कि इस मिशन में कहीं डिसेप्टिकॉन्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये टॉप सीक्रेट मिशन जानने वाले सारे लोगों को वो मार रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों भी रशियन एस्ट्रोनॉट तक पहुंच जाते हैं जो उन्हें चांद पे ली गई फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। इन फोटो से सैम और उसके पार्टनर को एक अंदाजा लग जाता है कि अपोलो 11 के चांद पे पहुंचने से पहले ही डिसेप्टिकॉन्स ने आर्क पे रेड डाली थी और डिसेप्टिकॉन्स जानबूझकर सेंटिनल और 5 पिलर को मून पे ही छोड़ आए थे ताकि ऑटोबॉट्स उन्हें ढूंढ पाए, क्योंकि उन पिलर यानी टेलीपोर्टेशन के प्रोग्राम को सिर्फ
सेंटिनल ही एक्टिवेट कर सकता था जो उस वक्त कोमा में था, और डेसेप्टिकॉन्स के पास सेंटिनल को जिंदा करने की पावर नहीं थी। यानी ये पूरा प्लान डेसेप्टिकॉन्स का था और उस पे इंसान और ऑटोबॉट्स चल रहे थे। ये जैसे ही उसे पता चलता है वो CIA के डायरेक्टर को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और तुरंत उनके ऑफिस जाने के लिए निकलता है। लेकिन रास्ते में ड्रेड डिसेप्टिकॉन्स उनके पीछे पड़ जाते हैं और यहाँ पे बहुत ही मस्त लड़ाई होती है। लेकिन ऑटोबॉट सैम और उस एजेंट को बचा लेते हैं। यहाँ पे एक स्टंट है जहाँ पे बम्बल भी सैम की जान बचाता है, वन ऑफ बेस्ट सीन है। दूसरी जगह पे CIA के ऑफिस में जहाँ पे सेंटिनल को रखा हुआ था वहाँ पे भी डिसेप्टिकॉन्स हमला करते हैं। ऑटोबॉट उनसे लड़ते हुए सेंटिनल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे रिवील होता है कि सेंटिनल ऑलरेडी डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है और वो आयरन हाइड को मार देता है और वहाँ पे ऑटोबॉट्स पे हमला करके वो वहाँ से भाग जाता है। और सेंटिनल उस प्रोग्राम को एक्टिवेट करके मून और अर्थ के बीच में एक गेटवे तैयार करते हैं, जिसके कारण हजारों के तादाद में डिसेप्टिकॉन जो मून पे थे वो अर्थ पे आके पूरा हल्ला मचा देते हैं। पोर्टल वो बंद करने के लिए ऑप्टिमस सेंटिनल को मारने के लिए जाता है, लेकिन सेंटिनल उस पे भारी पड़ने लगता है और वो उसे बचने का एक रास्ता देता है कि वो भी डिसेप्टिकॉन्स के साथ मिल जाए। ऑप्टिमस उनसे रीजन पूछता है कि आखिरकार आपने ये क्यों किया, तो वो कहता है कि वो सब कुछ अपने प्लैनेट के लिए कर रहा है, उसका प्लैनेट तबाह हो गया है, वो उसे वापस तैयार करना है। वहाँ पे वो सारे सब एक गॉड्स की तरह रहते थे, लेकिन यहाँ पे उन्हें इंसानों की पनाह लेनी पड़ रही है, इसलिए वो मेगाट्रॉन के साथ है। इसी हंगामे के बीच में सैम अपने गर्लफ्रेंड को उसके बॉस के साथ जो पार्टी चल रही थी वहाँ से लेने के लिए जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका बॉस ऑलरेडी डिसेप्टिकॉन से मिला हुआ है और उसने उसके गर्लफ्रेंड को जो कार दी थी वो दरअसल डिसेप्टिकॉन ही है। और अभी ऑटोबॉट्स एंड US गवर्नमेंट पे नजर रखने के लिए वो सैम को एक डिसेप्टिकॉन्स की घड़ी पहनाता है ताकि उनकी सारी बातें वो सुन सके। दूसरी तरफ डिसेप्टिकॉन गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि अगर वो धरती को बचाना चाहते हैं तो सारे ऑटोबॉट्स को अर्थ से निकाल दिया जाए। गवर्नमेंट ना चाहते हुए भी उनकी ये डिमांड मानती है और सारे डिसेप्टिकॉन्स को स्पेस में लॉन्च करती है। लेकिन जैसे ही वो लॉन्च होते हैं डिसेप्टिकॉन्स उस रॉकेट को ब्लास्ट करा देती है। यानी यहाँ पे यही दिखाया जाता है कि सारे ऑटोबॉट्स अभी मारे गए हैं, लेकिन ये तो बस ऑटोबॉट्स को रास्ते से हटाने का एक प्लान था। वो जैसे ही जाते हैं मेगाट्रॉन सेंटिनल और डिसेप्टिकॉन शिकागो पे हमला कर देते हैं और एक टावर कंट्रोल पे पिलर रखा जाता है और बाकी के पिलर दुनिया में दूसरी जगह पे रखते हैं। डिलन कार्ली को बताता है डिसेप्टिकॉन्स साइबरट्रॉन को सोलर सिस्टम में दाखिल करके अर्थ के रिसोर्सेस यूज करके उसे वापस जिंदा करने का उनका प्लान है। कार्ली उसे पूछती है कि इसमें तुम्हारा क्या फायदा, अर्थ अगर डिस्ट्रॉय होती है तो तुम भी तो डिस्ट्रॉय होंगे। तो वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरी पावर मिलेगी। ये डील दरअसल उसके पिता ने की थी पैसों के लिए और उसी के थ्रू वो आज इतना अमीर बना था, इतनी आलीशान गाड़ियां थी उसके पास। उसे और उसके पिता को भी मून के मिशन के बारे में पहले से पता था। डिसेप्टिकॉन्स के साथ उसने पैसे पावर के लिए डील की थी, उसके बदले में डिसेप्टिकॉन्स की वो मदद करने वाला था और डिसेप्टिकॉन्स उसकी लाइफ बख्शने वाले थे। दूसरी तरफ सैम फॉर्मर आर्मी चीफ रॉबर्ट और बाकी कुछ मिलिट्री के लोगों को लेके वो शिकागो जाता है कार्ली को बचाने के लिए, लेकिन वहाँ पे वो डिसेप्टिकॉन्स के हाथों पकड़े जाते हैं। और देखते ही देखते डिसेप्टिकॉन्स उन सबको मारने ही वाले थे, लेकिन अचानक से वहाँ पे सारे ऑटोबॉट्स आ जाते हैं और इन सबको डिसेप्टिकॉन से वो बचा लेते हैं। दरअसल इनकी शिप जब लॉन्च की गई थी तब लॉन्च के बाद ही वो कहीं और पे छुप गए थे, लेकिन बाकी लोगों को यही लगता है कि वो मारे गए हैं। आगे सैम ऑटोबॉट्स की मदद से कार्ली को बचा लेता है। आगे कार्ली उन्हें पिलर का लोकेशन बता देती है। बैकअप टीम यहाँ पे आने के बाद वो सैम और बाकी सारे लोग एक बिल्डिंग में जा पहुँचते हैं ताकि उन कंट्रोल पिलर्स को डिस्ट्रॉय कर सके, लेकिन शॉक वेव और उसका वर्म ड्रिलर उस बिल्डिंग को देखते ही देखते डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे ऑप्टिमस प्राइम आके इन सारे लोगों को बचा लेता है। यहाँ सैम के छोटे रोबोट बिली और ट्रेन डिसेप्टिकॉन्स के शिप में चले जाते हैं। यहाँ देखते ही देखते डिसेप्टिकॉन्स क्यू ऑटोबॉट को मार देते हैं और बाद में वो बम्बलबी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी बिली और ब्रेन डिसेप्टिकॉन्स की शिप के साथ छेड़खानी करने लगते हैं, जिसके कारण वो काफी अजीब तरीके से बिहेव करने लगती है और एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट होता है जिससे डिसेप्टिकॉन्स को बम्बलबी को मारने का वक्त नहीं मिलता और वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन भागते हुए वो साउंड वेव को मार जाता है। तो दूसरी जगह पे हम सोल्जर्स की टीम देखते हैं, उनकी भी डिसेप्टिकॉन्स के साथ काफी लड़ाई चल रही थी और देखते ही देखते वो काफी सारे डिसेप्टिकॉन्स को मार देते हैं और उतने में ही ऑप्टिमस प्राइम पिलर कंट्रोल को गिरा देता है, जिसके कारण बीच में जो स्पेस ब्रिज तैयार हुआ था वो तबाह हो जाता है। ये देख के सेंट्रल काफी भड़क जाता है और वो नीचे आके ऑप्टिमस प्राइम से लड़ने लगता है और इसी लड़ाई में उसका एक हाथ कट जाता है।
लड़ते हुए सेंटिनल डिलेन को पिलर एक्टिवेट करने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे रोकता है और दोनों के बीच में काफी लड़ाई होती है। कंट्रोल पिलर वापस चालू हो गया था, लेकिन सही वक्त पे बम्बलबी और रैचेट आके उस कंट्रोल पिलर को वापस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब ब्रिज पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसके कारण जितने भी सेंटिमेंट्स यहाँ पे आए हुए थे या रास्ते में थे वो देखते ही देखते मरने लगते हैं। तो यहाँ पे दूसरी जगह ऑप्टिमस की मदद करने के लिए कार्ली जानबूझ के मेगाट्रॉन को उकसाने लगती है कि अभी डिसेप्टिकॉन्स का नया लीडर सेंटिनल है और मेगाट्रॉन काफी कमजोर है। अब ये सुनते ही मेगाट्रॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो सेंटिनल को मारने के लिए जाता है। तो यहाँ पे सेंटिनल ऑप्टिमस प्राइम को मारने वाला होता है, लेकिन तभी मेगाट्रॉन आके सेंटिनल को मार गिराता है, जिसके कारण सेंटिनल जख्मी हो जाता है। अब यहाँ पे लड़ाई के बाद मेगाट्रॉन ऑप्टिमस को एक ट्रूस यानी शांति का प्रस्ताव उसके सामने रखता है, लेकिन ऑप्टिमस को पता रहता है मेगाट्रॉन की ये बस एक चाल है, इसलिए उसकी ऑफर रिजेक्ट करते हुए ऑप्टिमस मेगाट्रॉन को मार गिराता है। अब मेगाट्रॉन को मारने के बाद दूसरी जगह सेंटिनल था। ऑप्टिमस को आते हुए देख सेंटिनल अपनी जान की भीख मांगने लगता है उसके सामने, लेकिन सारे ऑटोबॉट्स के साथ किए हुए धोखे के कारण ऑप्टिमस प्राइम उसे मार देता है। और यहाँ पे फाइनली डिसेप्टिकॉन्स हार जाते हैं और लड़ाई खत्म हो जाती है। ऑटोबॉट्स के पास उनका प्लैनेट नहीं था, इसीलिए वो वापस अर्थ पे ही रहने का फैसला करते हैं। फोर्थ पार्ट आपको क्लाइमेक्स एक्सप्लेन इन हिंदी इस चैनल पे मिल जाएगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी रखी है।